नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे देश की आज़ादी के एक ऐसे घटनाक्रम के बारे में जो महात्मा गांधी से जुड़ा है, जिसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं तिरंगे को सलामी नहीं दूंगा। आइए वो जानते हैं कौन से ऐसे घटनाक्रम है और क्या वो मामला है जिसमें गांधी जी ने कहा था कि हम तिरंगे को सलाम नहीं करेंगे। इस साल भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ये दिन देश के उन वीरों की गौरवगाथा और बलिदान का प्रतीक है जिन्होंने अंग्रेजों के दमन से देश को आज़ाद कराने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। 15 अगस्त 1947 को हम अंग्रेजों की 200 साल से चली आ रही गुलामी से हम मुक्त हुए थे। इस दिन को हम पूरे देशवासी फ्रीडम फाइटर्स के त्याग, बलिदान, उसकी तपस्या को याद करते हैं, उन्हें याद दिलाते हैं। इसके द्वारा किए गए पुरुषार्थ की भी हम देन है कि आज हम खुले आसमान में सांस लेते हैं। वीर सपूतों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं तो आंखों में एक चमक पैदा हो जाती है। उनके कारनामे सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज एक बार फिर से अपने वीर सपूत को याद करते हैं। महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सुखदेव, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला राजपत राय, लोकमान बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस समेत असंख्य वीरों ने देश के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर दिया और आज़ाद भारत के सपने को साकार किया। ये उन असाधारण वीरों का बलिदान है कि आज हम आज़ाद भारत में चैन की सांस ले पा रहे हैं और चैन से नींद भी हम सो पा रहे हैं। यह घटना उन दिनों की है जब मोहम्मद अली जिन्ना नए पाकिस्तान को संभालने के लिए कराची पहुंचे थे। उस समय महात्मा गांधी भी लाहौर में ही रहते थे। गांधी जी को जब मालूम हुआ कि तिरंगे से चरखे को हटाकर उसी जगह अशोक चक्र लगाया जाएगा तो वे बहुत क्षुब्ध हुए और लाहौर में गांधी जी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सामने नाराजगी का इजहार किया। इसमें उन्होंने कहा कि मैं भारत के ध्वज में चरखा हटाए जाने को स्वीकार नहीं करूंगा, अगर ऐसा हुआ तो मैं झंडे को सलामी देने से मना कर दूंगा। उन्होंने कहा कि आप सभी को मालूम है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में सबसे पहले मैंने सोचा और मैं बगैर चरखा वाले राष्ट्रीय झंडे को स्वीकार नहीं कर सकता। आपको बता दें कि ये बात महात्मा गांधी स्कॉलर और रिसर्च एलएस रंगराजन ने कुछ साल पहले अपने एक लेख में इसका जिक्र किया था। आपको यह भी बता दें कि आज़ाद भारत के राष्ट्रीय ध्वज की बात साल 1947 के संविधान सभा में सबसे पहले आई थी, जिसमें गैर कांग्रेसी सदस्यों ने तिरंगे में चरखे का एतराज जताया था। उनका कहना था कि ये चरखे वाले तिरंगे को एक राजनीतिक पार्टी यानी कि कांग्रेस का झंडा है, उसे किसी भी राष्ट्र के लिए कैसे स्वीकार किया जा सकता। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संसद की संविधान मसौदा समिति के चेयरमैन थे। उस समय झंडे को लेकर एक समझौता हुआ जिसमें अम्बेडकर ग्रुप के लोगों का कहना था कि कांग्रेस का तिरंगा को बरकरार रखा जाए लेकिन चरखे की जगह ध्वज की 8 तिल्लियां वाले बौद्ध चक्र को लगा दिया जाए। इसके बाद के दिनों में इस पर सहमति बन गई। इस चक्र की 24 तिल्लियों का रखना चाहिए जो सारनाथ में सम्राट अशोक के स्तंभ पर है। संविधान सभा के 22 जुलाई 1947 को यह प्रस्ताव जो है पूरी तरह से पास हो गया। राष्ट्रीय ध्वज को लेकर गांधी जी ने 3 अगस्त 1947 को हरिजन बंधु में एक नेशनल फ्लैग के नाम से एक दार्शनिक लेख लिखा, जिसमें उनकी नाराजगी के कोई संकेत नहीं थे। राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंगों का मतलब कोई कुछ भी लगा सकता है, लेकिन जो भी अनेकता में एकता का मतलब समझता है वो उन 3 रंगों के बारे में भी बेहतर समझने की समझ रखता है। फिर उन्होंने यह भी कहा कि अशोक चक्र अहिंसा का द्वितीय कानून है और इस तरह से गांधी जी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाने के लिए तैयार हुए। तिरंगा और महात्मा गांधी से जुड़ी हुई कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ आपके मन में अगर किसी और भी घटना के बारे में जानना है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।